गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स अकेडमी. द नेक्स्ट टॉपिक एंड द टॉपिक नंबर 4 इन द चैप्टर इज अप्रोक्सीमेशंस. ठीक है, बेसिकली इट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज नंबर 6.4. टॉपिक नेम इज, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, अप्रोक्सीमेशंस, राइट. इसका आज इंट्रोडक्शन करते हैं. ओके, कई बार ये टॉपिक को हल्के में लेके जाते हैं बच्चे, और है भी हल्का, इतना ज्यादा भारी भी नहीं है, है ना. एक ही दिन में इंट्रोडक्शन हो सकता है और अगले एक दिन में पूरी एक्सरसाइज हो सकती है. इतना इजी टॉपिक है और इतना शॉर्ट, मतलब ज्यादा लेंदी क्वेश्चन इसमें नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, जल्दी जल्दी सॉल्व होने वाले क्वेश्चन है. ठीक है, और अगर कुछ ऑमिट करना होता है तो अक्सर बोर्ड इसी टॉपिक को ऑमिट कर देता है. ठीक है, तो एक दो साल में ये ऑमिट भी हुआ था ड्यू टू कोविड, तो इसलिए बच्चों ने इस पर ज्यादा फोकस भी नहीं किया. ठीक है, बट अब इस बार तो कुछ ऑमिट होने के चांसेस है नहीं, सब आ रहा है. सो वैसे भी हमको सब कुछ सीखना चाहिए बेसिकली. ठीक है, चलो तो बात करते हैं मीनिंग वाइज. फर्स्ट ऑफ ऑल अप्रोक्सीमेशंस का मीनिंग की बात करते हैं. तो देखो बेटा, हम अक्सर मैथ्स में, इतने सालों से अपन मैथ्स सॉल्व करते हैं, तो अपन कई बार एक वर्ड लगाते हैं वहां पे, अप्रोक्स लगाते हैं. अप्रोक्स मतलब होता है एग्जैक्ट, आसपास. अप्रोक्स मतलब मैं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पा रहा हूँ सर, सो मैं आसपास की वैल्यू निकालूंगा. अब आप एग्जैक्ट वैल्यू क्यों नहीं निकाल पा रहे हो, ऐसी क्या बात होगी कि आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हो, आप अप्रोक्स वैल्यू निकाल रहे हो. तो स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स से, टॉपिक इंट्रोडक्शन करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं कुछ एग्जाम्पल से. तो देखना, सपोज करो मैंने कहा √36 कितना होता है, तो आप कहोगे 6, आप माइनस वालों को इग्नोर कर दोगे, प्लस 6. ओके ठीक है, तो मैं अगर कहूं √36 अगर 6 होता है, तो मुझे बताना जरा √36.21 कितना होगा. तो आप कहोगे सर एग्जैक्ट तो मैं नहीं निकाल पा रहा हूं, बट अगर √36 6 है तो 36 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो इसका आंसर 6 से थोड़ा ज्यादा मान लो, डॉट 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 लगा देता हूँ, 6.1 मान लो, 6.001 मान लो, एग्जैक्ट तो मुझे अभी भी नहीं पता, तो मैं इसके आगे लगा देता हूँ अप्रोक्स. क्या लगा देता हूँ कि इसके आसपास होगा सर, 6.01 लगा दो, चलो 6.01 के आसपास, क्योंकि आपने क्वेश्चन में 36 से थोड़ा सा ज्यादा बढ़ाया, तो मैंने आंसर में 6 से जो थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा दिया. वेरी इजी. एक एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज करो मैंने कहा कि √27 क्या होता है, तो यू विल से 3. √27 3 होता है, 3 × 3 × 3 × 27 होता है. तो मैंने कहा कि अगर √27 3 होता है, तो मुझे बताओ √26.8 क्या होगा. तो आपने कहा सर 27 से थोड़ा सा कम कर दिया आपने 0.2, तो मैं आंसर में 3 से थोड़ा कम कर देता हूँ, लगभग ऐसे ले लो सर आप 2.999 ले लो अप्रोक्स. समझ आए? तो मुझे नहीं पता ये एग्जैक्टली 2.999 है कि 998 है, लेकिन मैंने तो अपनी जान छुड़ा ली अप्रोक्स लगा के कि हाँ इसके आसपास होगा, क्योंकि मैंने 27 से थोड़ा कम लिया है ना यहाँ पे क्वेश्चन में. आपने 27 से थोड़ा कम किया, तो आंसर में 3 से थोड़ा कम कर दो. चलो एक लास्ट एग्जाम्पल और. सपोज करो मैंने कहा कि मुझे बताइए आप 64 का फोर्थ रूट, या 64 का फोर्थ रूट, हाँ ठीक है 4, वेरी गुड. 64 का फोर्थ रूट 4 होता है, 4 की पावर 4 16 होता है क्या ना. 64 का फोर्थ रूट 4 नहीं होता है, 256 का फोर्थ रूट 4 होता है. ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 64 होता है 4, है ना. क्यूब रूट का तो कर लिया ना, अभी अपन फोर्थ रूट की बात कर रहे हैं. तो 256 का फोर्थ रूट क्या होता है, 4 होता है. 4 × 4 × 4 × 4 256 होगा, 4 4 16 और 16 × 16 256. तो मैंने कहा कि एक काम करो बच्चों, 256 का तो आप जानते हो, आप मुझे बताओ 257 का. तो आपने कहा सर थोड़ा सा बढ़ाया आपने 257 थोड़ा सा, तो 4.1 में कितना बढ़ेगा, 0.4003 ले लो, कुछ भी ले लो अप्रोक्स. तो इन एग्जांपल्स की मदद से आपको ये तो पता चल गया कि अप्रोक्सीमेशन होता क्या है, मीनिंग वाइज पता चल गया, आसपास की वैल्यू निकालना. ठीक है, आसपास की वैल्यू कब निकालते हैं, व्हेन इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू बाय कैलकुलेशन, या फिर अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू निकालने पे आ जाएं हम, तो बहुत टाइम लग रहा है, तो अपन आसपास की वैल्यू होने में. तो देखो 36.21 की आप लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है स्क्वायर रूट निकालने का, होता है ना, हमने बचपन में पढ़ा है 8-9 क्लास में, लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है, उसमें अपन डेसिमल प्लेस में नजदीक जा सकते हैं, बट फिर वो भी एग्जैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि कितने डेसिमल प्लेस तक जाएंगे, स्टॉप तो वहां पे भी करना पड़ेगा अप्रोक्सीमेट, तो क्यों ना अप्रोक्स जब लगाना ही तो ऐसे ही लगाते हैं.
अंदाजा लगा के, ठीक है। तो जब इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू, वी फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ये अपन बचपन से करते हुए आ रहे हैं। अब अपन बात करेंगे अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना यूजिंग डेरिवेटिव्स। सर यूजिंग डेरिवेटिव्स क्या फायदा है? यूजिंग डेरिवेटिव्स ये फायदा है कि जो भी अपन अंदाजा लगा रहे हैं, सर 0.01 होगा या 0.02 ज्यादा होगा, वो अंदाजा थोड़ा एग्जैक्ट हो जाता है। तो वो भी अंदाजा ही है, तो वो भी अंदाजा ही, बट वो अंदाजा थोड़ा सा एग्जैक्ट है। अभी तो हवा में बातें कर ली कि सर 0.1 कम कर दो पॉइंट, वो हवा में बातें नहीं होगी, होगा वो भी अंदाजा ही, बट वो जितना नजदीक जा पाएगा उतना नजदीक जाकर उतना अंदाजा होगा, ठीक है। और चैप्टर का नाम है डेरिवेटिव्स, तो डेरिवेटिव्स का इसमें क्या रोल है वो अपन सीखेंगे। समझ आया? फर्स्ट इंप्रेशन में समझ आया क्या करने वाले हैं अपन इस टॉपिक में? ओके, अब कैसे करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं के लिए कुछ बातें डिस्कस करेंगे अपन। हाँ, देखिए ग्राफ वैसे वहां पे बना बनाया है, लेकिन बने बनाए ग्राफ को मैं आपको कहूंगा कॉपी पेस्ट करो तो आपको क्या है? समझ में कम आएगा, इसलिए फिर से मैं बना के आपको बता रहा हूँ। फिर आप टॉपिक मतलब अभी थोड़ा रफ है ये डायग्राम, फिर आप फेयर वहां से नोट कर लेना चाहे से, लेकिन एक बार समझो चीज को क्या कहना चाह रहा हूँ। लेट अस से मैंने कहा कि ये एक फंक्शन है वाई इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ एक्स, ये एक फंक्शन है, ठीक है, कर्व है तो एक फंक्शन। मैंने कहा बेटा मुझे ना, मैंने इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, इस पॉइंट की, लेट अस से इस पॉइंट की बात कर रहा हूं। मान लो यहां पे एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू है एक्स, यहां पे एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है एक्स, तो मैंने कहा वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू बताओ, तो यू विल से सर वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू या तो अपन लिख सकते हैं वाई लिख दो सिंपली, या फिर अपन क्या लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं फंक्शन की वैल्यू एट दिस पॉइंट, ठीक है। अब x से थोड़ा सा स्लाइटली आगे गया मैं, जैसे अभी मान लो x यहाँ पे 36 था, तो मैं 36.14 ही तो गया हूँ, थोड़ा सा ही तो ज्यादा गया हूँ, तो 0.14 ही तो आगे खिसका हूँ मैं, थोड़ा सा x से आगे खिसका हूँ, तो मैं थोड़ा खिसकने में तो मैं थोड़ा सा आगे खिसका हूँ, लेकिन जब मैं ग्राफ बना रहा हूँ तो मैं जानबूझ के थोड़ा दूर बना रहा हूँ ताकि समझ में आए, क्योंकि अगर मैं इसके बगल में इतना सा आगे खिसका के आपको समझाऊं तो क्या ही समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा। तो मैं ग्राफ के अंदर थोड़ा दूर लेके जा रहा हूँ, लेकिन मान लेना कि वो थोड़ा सा ही आगे, वो ज्यादा आगे नहीं है, ऐसा नहीं है कि 36 के बाद वो 50 तक पहुंच गया, थोड़ा सा 0.14 0.2 इतना सा ही आगे, तो मैं थर्ड एक्स से थोड़ा सा आगे खिसक गया, मान लो यहाँ आ गया, आ गया कितना आ गया है? अब जितना अपन आगे चलते हैं बिल्कुल माइनर चेंज अपन जब करते हैं तो उसको कहते हैं डेल्टा एक्स, डेल्टा मतलब माइनर, तो बिल्कुल छोटा सा आगे गया ना मैं, तो ये जो गैप है ये कितना है डेल्टा एक्स है 0.14 0.2 एनीथिंग, तो लेट अस से ये है डेल्टा एक्स यहां से लेके यहां तक, ये कितना है डेल्टा एक्स, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स होगा कि नहीं होगा? होगा ना, यहां तक कोई डाउट नहीं है किसी को भी। अब मैंने कहा इसके रेफरेंस में फंक्शन की वैल्यू बताओ, तो आप कहोगे सर इसके रेफरेंस में जो फंक्शन की वैल्यू होगी ना उसको मैं कहूंगा, जब एक्स पे वैल्यू निकालते थे तो एफ एक्स लिखते थे, तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स पे वैल्यू निकालेंगे तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा। और अब यहां से सोचो इसकी वैल्यू, यहां से सोचो तो देखो बेटा यहां से लेके यहां तक ये वैल्यू वाई थी, यहां से लेके यहां तक ये वैल्यू वाई थी, और यहां से लेके ये जो वैल्यू हो जाएगी वो वाई में माइनर चेंज होगा नहीं होगा? भाई यहां से लेके यहां तक ये वैल्यू एक्स थी, तो एक्स से थोड़ा सा आगे गए तो उसको क्या कहा अपन ने डेल्टा एक्स, तो यहां से लेके यहाँ ये वैल्यू अगर वाई है तो यहां से लेके यहां तक ये जो वैल्यू होगी वो माइनर चेंज इन वाई डेल्टा वाई कहा जा सकता है ना? कुल मिला के अगर ये डेल्टा एक्स है तो ये डेल्टा वाई नहीं कहा जा सकता क्या? बताओ, कहा जा सकता है ना, ये डेल्टा एक्स है माइनर चेंज इन एक्स और वो माइनर चेंज इन वाई, तो इस वैल्यू को अपन डेल्टा वाई कह सकते हैं, तो फिर इस वैल्यू को अपन वाई प्लस डेल्टा वाई कह सकते हैं क्या? वाई तो है ही और डेल्टा वाई थोड़ा सा और जुड़ गया, समझ में आई बात? ठीक है, अब जब मैं आपसे कहता हूं, ये सारी बातें समझ में आ गई आपको ना, अब जब मैं आपसे कहता हूं बेटा रूट ऑफ 36.14 निकालो, जब मैं आपसे ये बात कहता हूं कि रूट ऑफ 36.14 निकालो, तो एक्चुअली मैं क्या निकालने के लिए कह रहा हूं ध्यान से सुनना, मैं आपसे रूट 36 प्लस 0.14 निकालने के लिए कह रहा हूं, ये निकालने के लिए कह रहा हूं। तो अब आप ध्यान से सोच के बताना, क्या मैं 36.14 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछ रहा हूं क्या आपसे? ना, 36.14 की तो वो एग्जैक्ट वैल्यू है, वो तो एग्जैक्ट है, इसके रूट की अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए, इसके
रूट की अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए, दैट मींस एक्स प्लस डेल्टा एक्स की कभी भी आपसे अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं मांगेगा, वाई प्लस डेल्टा वाई की इस पॉइंट पे फंक्शन की जो वैल्यू आ रही है उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए। जो इनपुट है जो एक्स है वो तो उसकी तो एग्जैक्ट वैल्यू है ना मेरे पास, उसकी तो पूरी एग्जैक्ट वैल्यू है 36.14, बिल्कुल आसपास नहीं है, एग्जैक्ट है वो। लेकिन उस पर जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है, रूट लगा रहे हो, क्यूब रूट लगा रहे हो, ये फंक्शन की वैल्यू है, उसकी आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए। यहां तक बातें क्लियर है सबको, सारी बातें क्लियर है, कोई डाउट नहीं है किसी को भी? ओके, अब सुनना, आप इसको कहोगे सर रूट 36.014 जो है ना वाई प्लस डेल्टा वाई के बराबर है, किसके बराबर है? वाई। वाई क्या था, जैसे मान लो यहाँ 36 रखा था तो वाई 6 तो आई गया था ना मेरा, 36 का रूट 6 तो आई गया था, तो मुझे ये पता है 6 प्लस डेल्टा वाई कुछ होगा, बस ये गैप चाहिए सर, ये गैप चाहिए, उसमें 6 जोड़ के आंसर ले आऊंगा। तो इस पूरे घटनाक्रम से आपको एक चीज समझ में आई, द मेन थिंग इज डेल्टा वाई जो आपको पता करना है। आपके पास एक्स है 36, आपके पास डेल्टा एक्स है 0.14, आपके पास वाई है 6, 36 का रूट तो 6 पता है, पर यहां पे 0.14 बढ़ने के बाद वहां कितना बड़ा वही तो नहीं है। चार चीजें अगर मैं बात करूं, एक्स वाई डेल्टा एक्स डेल्टा वाई, इन चार में से तीन चीजें तो हैं, एक्स 36 एग्जैक्ट वैल्यू, डेल्टा एक्स एक्स में कितना बढ़ाया 0.14 बढ़ाया, वो भी है, एक्स भी है डेल्टा एक्स भी है, वाई 36 का रूट 6 वो भी है, डेल्टा वाई, डेल्टा वाई मतलब यहां पे आपने जितना बढ़ाया तो फंक्शन में कितना बढ़ा वही तो नहीं है, 6 में कितना जोड़ूं 0.01 0.02 वही तो नहीं है। तो इन चार चीजों में से क्या मिसिंग है आपके पास? डेल्टा वाई। तो अब जो मैं आगे की कहानी बताऊंगा वो केवल इस ये चीज की बात बताऊंगा कि आपको डेल्टा वाई कैसे निकालना है, क्योंकि आप भी समझ गए कि एक्स है वाई है डेल्टा एक्स है, केवल सर डेल्टा वाई निकालने का तरीका बता दो, बाकी हम देख लेंगे। अब आगे की जो भी काम बता रहा हूं वो किसके लिए बता रहा हूं? डेल्टा वाई बताने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। इसको डिलीट कर दूं, थोड़े एग्जांपल्स हैं, अब सुनना ध्यान से अगली बात। देखो बेटा, अगर इस पॉइंट पे मैं एक टेंजेंट बनाऊं, ध्यान से सुनना जो कह रहा हूं, इस पॉइंट पे अगर मैं एक टेंजेंट बनाऊं लाइक दिस, मैं कह देता हूं लगभग वो कुछ ऐसी बन रही है। अब सुनना ध्यान से, अब मैं कुछ पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मार्क कर रहा हूं, ध्यान से देखना, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, लेट अस से ये पी पॉइंट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई हो जाएगा क्या? यस और नो? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई हो जाएगा क्या? एक्स कोऑर्डिनेट एक्स है और वाई कोऑर्डिनेट वाई है, हो जाएगा। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात करो, या फिर पहले इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात कर लेते हैं, ये क्यू ले लो इसको और इसको आर ले लो, तो बताओ आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? आर पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स प्लस डेल्टा एक्स, कॉमा वाई कोऑर्डिनेट क्या है? वाई प्लस डेल्टा वाई। तो इन दोनों पॉइंट के तो एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट आ गए। अब ये जो पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहा है ना, इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, तो देखो इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम ही होगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स सेम ही होगा, इसका वाई कोऑर्डिनेट मुझे पता नहीं है, इसका वाई कोऑर्डिनेट मुझे पता नहीं है, एक तरीके से मान लेते हैं इसका वाई कोऑर्डिनेट मुझे पता नहीं। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं मुझे क्या चाहिए था, ये वाला गैप चाहिए था, इसके सीधे में एक लाइन ले लो, एक बार क्लियर ना, मुझे ये गैप ही तो चाहिए था डेल्टा वाई, मुझे ये डेल्टा वाई वाला गैप ही तो चाहिए, तो अब वैसे भी मैं एक्स से थोड़ा सा ही आगे निकला था तो उधर वाई से भी थोड़ा सा ही आगे गया होगा, दिखने में ये बड़ा गैप दिख रहा है लेकिन है ये छोटा सा ही गैप, अभी फिगर में समझाने के लिए मैंने इसको थोड़ा दूर किया है, एक्स से भी चिन्ना सा आगे निकला तो वाई से भी चिन्ना सा ही आगे निकला, तो ये गैप है तो काफी छोटा। तो अगर मैं ये पूरा गैप नहीं निकाल पा रहा हूं, अगर मैं ये यहां से लेके यहां तक ये पूरा गैप नहीं निकाल पा रहा हूं, तो मैं यहां से लेके यहां तक ये क्यू वाला गैप ही निकाल दूं अगर, तो ये वाला गैप और ये टोटल गैप में ज्यादा फर्क नहीं होगा, ये चीज समझ में आ रही बात, क्योंकि वैसे भी बहुत छोटा गैप ही है, वैसे ही बहुत छोटा गैप है। अब सपोज करो भी 0.00001 का ही गैप है, 0.00001 भी निकाल दिया तो करीब करीब बराबर ही है ना उसके, तो अगर मैं ये नहीं निकाल पा रहा हूं तो मैं ये निकालूंगा और इसकी वैल्यू इसके वैल्यू के अप्रोक्सीमेट मान लूंगा, समझ आ गई बात। अब सर ये कैसे निकालें वो बता दो, तो ये निकालने के लिए आपको उसका वाई कोऑर्डिनेट चाहिए होगा, आपको उसका क्या चाहिए होगा? वाई कोऑर्डिनेट चाहिए होगा, चाहिए होगा। अब मुझे बताओ डीवाई बाई डी एक्स या स्लोप कैसे निकालते थे अपन? स्लोप निकालते थे सर हम वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स, ध्यान से सुनना जो कह रहा हूं,
और दूसरे फॉर्मूला में स्लोप ऐसे निकालते थे डी वाई बाय डी एक्स, ऐसे निकालते थे। तो इसका मतलब क्या होता था कि डी वाई ये है और डी एक्स ये है। डी वाई मतलब वाई इसमें कितना चेंजेस हुआ और डी एक्स मतलब एक्स में कितना चेंजेस हुआ। आपको अगर इस फॉर्मूला से वाई टू की वैल्यू निकालनी है, किसकी वाई टू की वैल्यू निकालनी है, तो ये माइनस वाई वन उधर चल के क्या हो जाएगा, प्लस वाई वन। अब वाई वन क्या था, पहला पॉइंट, वाई वन क्या था, पहला पॉइंट, और उसके अंदर क्या जोड़ना पड़ रहा है आपको, डी वाई। तो यहां पे पहला पॉइंट क्या है, यहां पे पहला पॉइंट क्या है, वाई। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, वाई प्लस क्या जोड़ना पड़ रहा है, डी वाई, क्या जोड़ना पड़ रहा है, डी वाई। दैट मीन्स आप अगर वाई प्लस डी वाई की वैल्यू निकाल लो, या फिर ये डी वाई की वैल्यू, ये डी वाई है, ये क्या है, डी वाई है, और वो टोटल क्या है, डेल्टा वाई है, वो टोटल क्या है, डेल्टा वाई है। कहने का मतलब है कि डी डेल्टा वाई निकालना मुश्किल हो रहा है, तो मैं केवल डी वाई निकाल के काम चला रहा हूं और डी वाई को डेल्टा वाई के अप्रोक्सीमेट मान रहा हूं। समझ में आई बात, मेरे को निकालना तो ये पूरा डेल्टा वाई था, बट मैं डेल्टा वाई नहीं निकाल पा रहा हूं, तो मैं डी वाई निकाल रहा हूं, और ये डी वाई और ये डेल्टा वाई लगभग लगभग सेम है, ऐसा मैं अप्रोक्सीमेट मान के चलता हूं। यहां तक सारी बातें क्लियर है। अब मैं चार चीजें फिर से लिख रहा हूं, देखो, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डी एक्स और डी वाई। देखो डेल्टा एक्स का मतलब होता है माइनर माइनर एग्जैक्ट चेंज इन वाई, माइनर एग्जैक्ट चेंज इन वाई, ठीक है। डेल्टा वाई का मतलब होता है माइनर एग्जैक्ट, ये एक्स है ना, सॉरी वाई क्यों लिखा मैंने, माइनर एग्जैक्ट चेंज इन एक्स, माइनर एग्जैक्ट चेंज इन एक्स, और डेल्टा वाई होता है माइनर एग्जैक्ट चेंज इन वाई। डी एक्स होता है माइनर माइनर, डी एक्स और डी वाई को अपन ले सकते हैं अप्रोक्स, है ना, माइनर अप्रोक्स चेंज इन, माइनर अप्रोक्स चेंज इन एक्स, ओके। अभी सारी बातें लिखवा भी देंगे, और ये हो जाता है माइनर अप्रोक्स चेंज इन वाई, माइनर अप्रोक्स चेंज इन वाई, यानी डेल्टा वर्ड तो एग्जैक्ट है और डी वर्ड क्या है, अप्रोक्स है। अब सुनिए, एक्स के केस में तो डेल्टा एक्स और डी एक्स बिल्कुल सेम है, इक्वल है दोनों, डेल्टा एक्स और डी एक्स एग्जैक्टली सेम है। क्यों, क्योंकि एक्स के केस में तो मुझे पता है कि मैंने कितना आगे गया हूं, जैसे 36.14 का रूट निकालना है तो मुझे पता है मैं एग्जैक्ट 0.14 बढ़ाया मैंने, तो आपको पता है ना एग्जैक्ट 0.14 बढ़ाया, तो एक्स के केस में तो डेल्टा एक्स कह दूं या डी एक्स कह दूं उसको मैं अप्रोक्सीमेट लूंगा ही, क्योंकि मुझे पता है एग्जैक्टली अप्रोक्स कहां लूंगा मैं, वाई के केस में। तो मैं डेल्टा एक्स और डी एक्स तो एग्जैक्टली बराबर होंगे इस पूरे टॉपिक में, लेकिन डेल्टा वाई और डी वाई बराबर नहीं होंगे, अप्रोक्स होंगे, और अप्रोक्स का साइन होता है डबल सिमिलैरिटी। अप्रोक्स का साइन क्या होता है, डबल सिमिलैरिटी, राइट, या तो डबल सिमिलैरिटी लिखो या फिर ऐसे लिखो डेल्टा वाई, दूसरा ऑप्शन है डेल्टा वाई इक्वल टू डी वाई लिखे और आगे लिख दो अप्रोक्स, आगे लिख दो अप्रोक्स। अपन किसी जगह ये वाला तरीका चूज करेंगे कि इक्वल टू का साइन लगा के आगे अप्रोक्स लिख दिया, और किसी जगह अपन ये वाला साइन यूज करेंगे कि इक्वल टू का साइन नहीं लगाया, अप्रोक्स नहीं लगाया, डबल सिमिलैरिटी का साइन लगा दिया, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड अप्रोक्सीमेशन साइन, ठीक है। तो डेल्टा एक्स और डी एक्स पूरे टॉपिक में सेम रखेंगे, क्योंकि हमको पता है कि मैं रूट 36.14 निकाल रहा हूं, तो मुझे पता है मैं एक्स में माइनर चेंज 0.14 कर रहा हूं, वो मुझे अप्रोक्सीमेट थोड़ा निकालना है, मुझे तो ये चाहिए कि सर ये 0.14 बढ़ने के बाद वो कितना बड़ा, तो मुझे डेल्टा वाई जो चाहिए उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए। डेल्टा एक्स की तो मेरे पास एग्जैक्ट वैल्यू है, उसकी तो मेरे पास एग्जैक्ट वैल्यू है, तो डेल्टा एक्स इक्वल टू डी एक्स, लेकिन डेल्टा वाई इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू डी वाई। यहां तक क्लियर है सारी बातें सभी को। अब मैं कुछ थोड़ी सी स्क्रीन क्लीन कर दूं यहां पे मैं, ठीक है, थोड़ी सी स्क्रीन क्लीन कर रहा हूं। अब सर ये सारी बातें तो हो गई, बट कैसे निकलेगी 36.14 की एग्जैक्ट वैल्यू कैसे निकलेगी? देखो तनिष्क, आपने पूरा इंट्रोडक्शन छोड़ दिया है, तो ये मान के चलो बहुत इंपॉर्टेंट चीज छोड़ दी, मैंने ग्रुप में मैसेज डाल दिया था इंट्रोडक्शन में टाइम पे आया करो। देखो यहाँ पे क्वेश्चंस तो अपन बाद में देख लेते हैं कहीं से भी, बट इंट्रोडक्शन कहीं नहीं मिलेगा आपको, यू विल फाइंड नो वेयर। आप पूरा सर्च मार लो, इन यूट्यूब खंगाल लो, कहीं पर भी अच्छा सा इंट्रोडक्शन नहीं है इन टॉपिक्स का। तो ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इंट्रोडक्टरी क्लास। देखो भाई देखो, ध्यान से सुनना, आगे
आपको अब चाहिए y प्लस डेल्टा y की वैल्यू, क्या चाहिए y प्लस डेल्टा y की वैल्यू चाहिए, ये चाहिए। सर y की वैल्यू तो मेरे पास है, जैसे अभी रूट ऑफ 36.14 की बात कर रहे थे तो 36 का रूट तो मुझे पता है 6 होता है, बस ये 0.14 में ये डेल्टा वाई कितना बड़ा ये नहीं पता मुझे, ये नहीं पता मुझे, ठीक है। अब अभी अभी मैंने क्या कहा, डेल्टा एक्स एग्जैक्टली इक्वल टू डी एक्स, और डेल्टा वाई या ऊपर डेल्टा वाई लिखो, डेल्टा वाई इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू, डेल्टा वाई इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू डी एक्स डी वाई, और डेल्टा एक्स इज एग्जैक्टली इक्वल टू डी एक्स। तो जरा मुझे बताओ डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू या डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आई, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आई। देखो डेल्टा एक्स एग्जैक्टली इक्वल टू डी एक्स और डेल्टा वाई इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू डी वाई, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स की अप्रोक्सीमेट वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स के बराबर आ गई, क्योंकि न्यूमरेटर अप्रोक्सीमेट है और डिनोमिनेटर एग्जैक्ट है, तो डिनोमिनेटर एग्जैक्ट है और न्यूमरेटर अप्रोक्सीमेट है, तो ओवरऑल भी अप्रोक्सीमेट हो गया, ओवरऑल भी एग्जैक्ट थोड़ी ना हुआ, ओवरऑल भी क्या हो गया अप्रोक्सीमेट हो गया। तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स की अप्रोक्सीमेट वैल्यू किसके इक्वल आ गई, डी वाई बाय डी एक्स। आपको क्या निकालना था, डेल्टा वाई, आपकी क्या चीज मिसिंग थी, डेल्टा वाई, तो डेल्टा वाई निकालने के लिए डेल्टा एक्स को उठा के वहां फेंक दो। दिस इज द मेन टर्निंग पॉइंट इन द टॉपिक, बस दैट मींस कर्व को डिफरेंशिएट कर दो, कर्व को डिफरेंशिएट कर दो, डीवाई बाई डी एक्स निकाल दो, एक बार डीवाई बाई डी एक्स निकल गया, उसके बाद डेल्टा एक्स से उसको मल्टीप्लाई, आपको कुछ डेल्टा एक्स कहां से मिलेगा, डेल्टा एक्स बड़ी आसानी से मिल जाएगा। अगर मैं कहता हूं रूट ऑफ 36.14 निकालो तो वहां पे 0.14 ही तो डेल्टा एक्स है, उसकी तो मेरे पास एक्जैक्ट वैल्यू है ना, और डीवाई बाई डी एक्स निकालना नहीं आता क्या आपको, रूट एक्स का आता है, इसको उससे मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा, डेल्टा वाई। अच्छा डेल्टा वाई फाइनल आंसर नहीं है, फाइनल आंसर इज ऑलवेज वाई प्लस डेल्टा वाई, उसमें फिर y यानी 6 और जोड़ देना, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। डेल्टा y निकालना आ गया, और आप इंटरेस्टेड किस में, आप पहले पूरी स्क्रीन सेट में सोचो आप इंटरेस्टेड किस में, आपको चाहिए क्या। अगर मैंने आपको कहा रूट ऑफ 36.14 निकालो, तो इस पूरी चीज में 36 क्या है x, 0.14 क्या है डेल्टा x, इक्वल टू मुझे पता है कि इसका आंसर 6 point something आएगा, 6 क्या है y प्लस वो समथिंग ही तो चाहिए, यानी कि डेल्टा वाई तो चाहिए, तो आंसर तो मेरा ये है वाई प्लस डेल्टा वाई, लेकिन इसमें वाई मुझे पता है तो मैं इंटरेस्टेड हूं डेल्टा वाई निकालने में। डेल्टा वाई निकालने का तरीका बता दो, डेल्टा वाई निकालने का तरीका बता दिया, डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाइड बाय डी एक्स और डेल्टा एक्स, डी वाई बाई डी एक्स विल बी फाउंड यूजिंग द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव्स, और डेल्टा एक्स जो आपको क्वेश्चन से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। इज दिस क्लियर। अच्छा यहां से मुझे क्या मिलेगा, ये डेल्टा वाई जो है ये पूरा है, यहां से लेकर और यहां तक ये पूरा डेल्टा वाई है, ठीक है, लेकिन इसकी वैल्यू यहां से लेके यहां तक ये डेल्टा डी वाई के अप्रोक्सीमेट आई है। भाई पूरा निकालना तो करीब करीब मेरे लिए इम्पॉसिबल है, तो मैंने कहा क्या कहा कि सर आप तो डी वाई की वैल्यू निकाल दो और अप्रोक्सीमेट वैल्यू डेल्टा वाई के बराबर ही होगी, तो हम डी वाई को ही डेल्टा वाई अप्रोक्सीमेट मान लेते हैं, क्योंकि ये अभी भी मैंने बताया कि ये थोड़ा गैप जो है ये ज्यादा दिख रहा है क्योंकि आपको समझ में आए, बट ये गैप इतना ज्यादा है नहीं भाई, पॉइंट समथिंग का ही गैप है ये, तो पॉइंट समथिंग के गैप में क्या फर्क पड़ता है कि ये निकालो या ये निकालो, वैसे भी बहुत माइनर सा गैप है और वैसे भी अप्रोक्सीमेट चल रहा है, तो हम डेल्टा वाई नहीं निकाल पा रहे हैं, सो वी आर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ डी वाई, और डी वाई निकालना हमारे लिए आसान है, कैसे, स्लोप के फॉर्मूला से वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाय एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है, यहां तक क्लियर है सारी बात, यहां तक क्लियर है। देखो अब ध्यान से देखो वाई टू माइनस वाई वन कैसे निकालोगे, ये वाई टू माइनस y1, तो y माइनस वाई कट गया, क्या बचा x2 टू माइनस एक्स वन। अच्छा डेल्टा x जो है dy के बराबर है, बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वल टू है, अभी अभी लिखा dx, सॉरी dx के बराबर है भाई, डेल्टा x dx के बराबर है, तो x2 टू माइनस एक्स वन करेंगे तो x माइनस एक्स कट गया, क्या बचा dx, तो ये स्लोप आया, हम भी तो पूरे चैप्टर में चिल्ला चिल्ला के यही कह रहे हैं शुरू से कि ये स्लोप है, हम भी तो यही कह रहे हैं dy बाय dx इज द स्लोप, और y2 टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x2 टू माइनस एक्स वन के फॉर्मूला से भी यही निकल के आ रहा है, यही स्लोप निकल के आ रहा है। इज दिस क्लियर, ठीक है। अब ये सारी बातें जो थी थोड़ी रफ चली, तो थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली आप नोट डाउन कर लो, मतलब कॉपी पेस्ट करने का काम अब आप कर लीजिए प्रैक्टिकली, सही अप्रोक्सीमेशंस, पहले तो ये ग्राफ बना दीजिए फटाफट, फिर एक एल्गोरिथम लिख लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप लिख लेते हैं कि हमको करना क्या है। थोड़ा बहुत ग्राफ में समझाते हुए चलता हूं मैं।
ये वैल्यू एक्स है और एक्स पे ये वैल्यू मेरी वाई कह लो या एफ एक्स कह लो। फिर मैंने थोड़ा सा इसको बढ़ाया, माइनर चेंज है, ये ग्राफ थोड़ा दूर बनाया ताकि समझ में आए आपको, ऐसे बिल्कुल नजदीकी लाइन बनाऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा दूर बनाया, बट ये है बड़ा माइनर चेंज, कितना जैसे 0.001 ऐसे। अब जितना दूर अब मैं बनाऊंगा उतना ही आपको अच्छे से समझ में आएगा, द प्रॉब्लम इज दैट। ठीक है, अच्छा अब पूरे क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि डीएक्स को डेल्टा एक्स बोल सकते हैं क्योंकि उसकी तो एग्जैक्ट वैल्यू है, उसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू में हम इंटरेस्टेड नहीं है, हम उसकी हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू है, हम इंटरेस्टेड है वाई की, डेल्टा वाई की अप्रोक्सीमेट चेंज में, है ना। तो देखो इस गैप को तो मैं डीएक्स या डेल्टा एक्स दोनों कह सकता हूँ, इस गैप को मुझे डेल्टा वाई कहना है, इस गैप को मुझे क्या कहना है डेल्टा वाई, और ये मेरे लाइन खींची नहीं है, इस गैप को मैं कहूंगा डी वाई, इस गैप को क्या कहूंगा डी वाई, तो डी वाई और डेल्टा वाई अप्रोक्सीमेट वैल्यूज से बराबर मान लूंगा मैं। ठीक है, तो अब इनके कोऑर्डिनेट्स जब मैं निकालने चला तो इसका कोऑर्डिनेट तो एक्स कॉमा वाई निकल गया, आर पॉइंट का कोऑर्डिनेट बड़ी आसानी से, भाई ये डेल्टा एक्स था तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स इसका एक्स कोऑर्डिनेट निकल गया, और ये डेल्टा वाई था तो वाई प्लस डेल्टा वाई इसका वाई कोऑर्डिनेट निकल गया। अब मैं वाई प्लस डेल्टा वाई तो नहीं निकाल पा रहा हूं, तो मैं वाई प्लस डी वाई निकाल दूंगा और इन दोनों को अप्रोक्सीमेट मान लूंगा, भाई इतना गैप डी वाई है इतना गैप डेल्टा वाई है तो मैं डी वाई निकाल रहा हूँ। तो इस पॉइंट का जो क्यू पॉइंट मान लिया, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई प्लस डी वाई, डी वाई डेल्टा वाई तो पूरा एग्जैक्ट है वो, लेकिन वो एग्जैक्ट निकाल ही नहीं पा रहे तो हम डी वाई निकालते हैं ना, तो वाई प्लस डी वाई। अच्छा डेल्टा एक्स क्योंकि डी एक्स के बराबर है तो दूसरे शब्दों में इसका कोऑर्डिनेट्स हो गए एक्स प्लस डी एक्स कॉमा वाई प्लस डी वाई, ये इस पॉइंट के एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स हो गए और वो उस पॉइंट के एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स हैं। डेल्टा वाई इसलिए फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि डेल्ट भाई इस गैप को अपन कैसे कवर करोगे बताओ, या तो फिर टेंजेंट सीकेंट बनाओ, या तो फिर क्या बनाओ सीकेंट बनाओ, और सीकेंट के डेरिवेटिव्स में कॉन्सेप्ट नहीं हमारे पास, हमारे पास कॉन्सेप्ट किसके हैं टेंजेंट के, और टेंजेंट जब मैं बना रहा हूं तो पूरे उस पॉइंट तक नहीं पहुंच पा रहा हूं, और वैसे भी वो पॉइंट और वो पॉइंट कुछ ज्यादा दूर थोड़ी, ज्यादा दूर क्या बिल्कुल एक दूसरे में घुसे हुए इतने पास हैं, तो हम अप्रोक्सीमेट इसकी वैल्यू उसकी वैल्यू के बराबर मान रहे हैं। ठीक है, बिकॉज वी आर मेकिंग यूज ऑफ डेरिवेटिव्स और डेरिवेटिव्स इज रिवॉल्व अराउंड टेंजेंट नॉट सीकेंट। ठीक है, क्लियर है भाई, डीवाई बाई डीएक्स निकालोगे आपको कर्व की इक्वेशन मिल गई, आप डीवाई बाई डीएक्स निकालोगे तो आपको उसमें स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलेगा, सीकेंट थोड़ा ना मिलेगा, अगर सीकेंट मिलता तो अप्रोक्सीमेट फिर सीधा ही निकल जाता, बट नहीं निकलता, आगे चल के हम फर्दर मैथ्स में सीखेंगे, अगर कोई ऐसा कोई कॉन्सेप्ट हमको मिल जाए जिससे स्लोप ऑफ सीकेंट मिलता हो तो हम सीधे वहां तक पहुंचेंगे। ओके क्लियर, ठीक है ना, ग्राफ को चाहे से रफली नोट कर लो या कैसे भी कर रहे हो एक बार करो इसको, फिर अपन कुछ इसका एल्गोरिदम लिखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे रिलेटेड रेलेवेंट टू द टॉपिक, एंड क्विकली फिर हम एक एग्जांपल करके देखेंगे, बिकॉज विदाउट एग्जांपल ये बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ेगा। एल्गोरिदम मतलब किसी चीज को करने का प्रोसेस, सीक्वेंस या स्टेप्स, व्हाट आर द स्टेप्स, एल्गोरिदम मींस प्रोसेस और स्टेप्स, एल्गोरिथम लिखेंगे मतलब कुछ स्टेप्स लिखेंगे कि पहले ये करना फिर ये करना फिर ये करना फिर ये करना, हाँ, कमांड देने के जो स्टेप्स होते हैं ना। अब देखो कुछ इजी टॉपिक होते हैं उसमें तो मैं कह दूंगा बेटा ऐसे कर देना वैसे कर देना तो फर्क नहीं पड़ता आपने पहले क्या किया और बाद में क्या किया, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक बन जाते हैं मैथ्स में जिनमें स्टेप बाय स्टेप करना जरूरी होता है, पहले यही करना पड़ेगा फिर वही करना पड़ेगा फिर वही करना पड़ेगा फिर वही करना, तो वो सीरीज ऑफ स्टेप्स, वेल डिफाइंड सीरीज ऑफ स्टेप्स को अपन कहते हैं एल्गोरिथम। टेंथ में आया था ना शायद आपका, क्या ऐसा कोई एक टॉपिक था याद आ रहा है मुझे, एल्गोरिथम करके नहीं था, हाँ टेंथ में था जितना मुझे याद आ रहा है, लेट मी रिमाइंड, डिवीजन लेमा, डिवीजन एल्गोरिथम नहीं था, डिवीजन लेमा, डिवीजन एल्गोरिथम 10th में, लेमा मीन्स सम रूल जो हर हाल में सही होता है, एल्गोरिथम मतलब उस रूल को यूज करके क्या स्टेप्स फॉलो कर रहे हो, दैट इज एल्गोरिथम। क्या कट गया होगा आपके, 10th में कोविड आ गया था क्या, हाँ।
प्रमोटेड हो मतलब तुम। क्लास में कोई भी आते हैं ना, वही बोलता है अच्छा अच्छा तुम ही हो तुम कौन प्रमोटेड। सा हाँ क्या है, तुम बोलो कैसे की तो पढ़ाई मतलब की है कॉमर्स सोतेला की व्यवहार है होता है आपके साथ, सोतेला व्यवहार होता है। वैसे, तुमको क्या पता होगा पहले कैसे पास तो उस डब्बे को साफ करने का मौका है ना, कि अगर हम ऐसे ही पास हो जाते तो 12th में थोड़ा ना होते। मेक द फुल यूज ऑफ दैट, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी और प्रूव करो अपने आप को। और एक स्टूडेंट के पास प्रूव करने का क्या मौका होता है, पहाड़ तोड़ के तो लाओगे नहीं तुम। मतलब प्रूव करने का मतलब अपने आप को हीरो बनाने का क्या मौका है आपके पास। कैसे अब आप साबित करोगे कि यस आई एम ऑल्सो द हीरो, कैसे साबित करोगे। एक ही तरीका है, एग्जाम में फोड़ के आओ, बस मार्क्स मेन चीज वही है। भाई ऐसे तो करोगे नहीं कि किसी विलेन को मार के आओगे, है ना, वो सब तो करोगे नहीं। या पहाड़ तोड़ के आओगे उसकी तरह, वो एक मांझी थे, ऐसे तो करोगे नहीं। वो हमारा फील्ड नहीं है। जो हमारा फील्ड है उस फील्ड में अच्छे से काम करके और सक्सेस प्राप्त करो, दैट इज द ओनली थिंग। ठीक है, अब ये ग्राफ का रिमेनिंग काम आप वीडियो से कर लेना, चलते हैं आगे, बिकॉज मेरे को टॉपिक खत्म करना है आज की तारीख में ही। देखो ये चार चीजें लिखो फटाफट। डेल्टा एक्स को हम कैसे डिनोट कराएंगे, क्या कहेंगे उसको, एग्जैक्ट माइनर चेंज इन एक्स। डेल्टा वाई को हम क्या कहेंगे, एग्जैक्ट माइनर चेंज इन वाई। डीएक्स को हम क्या कहेंगे, अप्रोक्स माइनर चेंज इन एक्स। और डीवाई को हम क्या कहेंगे, अप्रोक्स माइनर चेंज इन वाई। ठीक है, और हमने अभी पता लगाया कि डेल्टा एक्स और डीएक्स एग्जैक्टली इक्वल है, लेकिन डेल्टा वाई और डीवाई एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, अप्रोक्सीमेटेड इक्वल है वो। ठीक है, तो नीचे लिख देते हैं, ये लिख लिया इतना। ठीक है, तो नाउ वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द अप्रोक्स चेंज इन एक्स, बिकॉज अप्रोक्स चेंज इन एक्स क्यों निकालूंगा, एग्जैक्ट चेंज इन एक्स है मेरे पास, तो रूट ऑफ 36.14 में 0.14 एग्जैक्ट चेंज है ना, एग्जैक्ट चेंज है। वी आर फाइंड इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द अप्रोक्स चेंज इन वाई, नॉट एन अप्रोक्स चेंज इन एक्स। तो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द अप्रोक्स चेंज इन एक्स, तो फिर मैं डेल्टा एक्स को डी एक्स के बराबर रख दूंगा, क्योंकि इसको फाइंड आउट करने में इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ। सो वी विल कंसिडर डेल्टा एक्स इक्वल टू डी एक्स। सो वी विल कंसीडर डेल्टा एक्स इक्वल टू डी एक्स, एग्जैक्टली इक्वल टू डी एक्स। कितना हो गया, ठीक है, बट डेल्टा वाई इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू डी वाई, इट इज अप्रोक्सीमेटेड इक्वल टू डी वाई। तो डेल्टा वाई के बीच में और डी वाई के बीच में आप अप्रोक्सीमेट साइन लगाइए। बट डेल्टा वाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू इक्वल है डी वाई के बराबर। सो अब उसकी तो एग्जैक्ट वैल्यू इक्वल है डी एक्स के बराबर, और इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है डी वाई के बराबर, तो टोटल डी वाई बाई डी एक्स की अप्रोक्सीमेट वैल्यू डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स के बराबर हो गई। हो गई भाई, एक भी अगर अप्रोक्सीमेट है तो ओवरऑल अप्रोक्सीमेट हुआ ना। ठीक है, तो यहां से मुझे डेल्टा वाई ही तो चाहिए था। वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा वाई, नॉट इन डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स तो है मेरे पास, तो डेल्टा वाई कैसे निकल जाएगा, ये डेल्टा एक्स इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर आके, सो डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाइड बाई वॉट, डेल्टा एक्स। ठीक है, अब जैसे ही मैं ये अप्रोक्सीमेट साइन हटाऊंगा, क्यों, क्योंकि मैथमेटिकल कैलकुलेशन में अप्रोक्सीमेशन के थोड़ा रूल्स चलते हैं, इक्वल टू के रूल्स चलते हैं। तो इक्वल टू से जैसे रिप्लेस करूंगा, तो वी हैव टू राइट अ वर्ड अराउंड हेयर अप्रोक्स। यहां से जैसे ही इक्वल टू हुआ तो ये अप्रोक्स हो गया, फाइन। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को, ये डेल्टा वाई ही तो अखर रहा था कि सर ये कैसे निकालें, ये ऐसे निकालो, करो मजे। चलो अब एल्गोरिथम करना क्या है क्वेश्चंस में। ठीक है, एल्गोरिथम टू यूज डेरिवेटिव्स फॉर अप्रोक्सीमेशंस, व्हाट आर द सीरीज ऑफ स्टेप्स वी यूज अप्रोक्सीमेशन के लिए, हम कौन सी सीरीज ऑफ स्टेप, पहले क्या करना है सर ये बताओ। पहला क्वेश्चन ये होता है कि सर पहले क्या करूं, स्टार्ट कैसे करूं, तो ये पूरी सीरीज ऑफ स्टेप्स है, ये कर ले फिर ये कर ले फिर ये कर ले। एक्चुअली तो अभी एक क्वेश्चन करेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, सबसे पहली चीज है आइडेंटिफाई द फंक्शन। जैसे मैंने कहा रूट ऑफ 36.14 निकालो, तो फंक्शन आइडेंटिफाई करो, कैसा फंक्शन है ये, रूट एक्स टाइप का फंक्शन है। मैंने कहा क्यूब रूट ऑफ 28 निकालो, तो कैसा फंक्शन है ये, क्यूब रूट ऑफ एक्स वाला फंक्शन है, क्यूब रूट ऑफ एक्स वाला फंक्शन है। तो पहला स्टेप क्या है, आइडेंटिफाई द फंक्शन वाई इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, अब x के अंदर एक होगा परफेक्ट x,
एक तो होगा परफेक्ट एक्स जो उस फंक्शन आइडेंटिफाइड फंक्शन के अकॉर्डिंग परफेक्टली मैच कर रहा होगा, और एक होगा डेल्टा एक्स, एक होगा डेल्टा एक्स जो, तो स्टेप नंबर टू हो जाएगा आइडेंटिफाई द परफेक्ट एक्स एंड द डेल्टा एक्स एज पर द फंक्शन। अच्छा फंक्शन टू फंक्शन वो डिफर करेगा, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देता हूं मैं इसका, देखो मुझे एक चीज बताओ, अगर मैंने लिखा 64.16 और इसका मैंने कहा रूट, तो आपने रूट एक्स फाइंड आउट मतलब फंक्शन तो आपने पता कर लिया कि सर क्या है रूट एक्स टाइप का फंक्शन है, तो इसमें से परफेक्ट एक्स क्या होगा जिसका रूट परफेक्टली निकलता हो, तो परफेक्ट एक्स हो जाएगा 64 और डेल्टा एक्स हो जाएगा 0.6, यानी परफेक्ट एक्स हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 0.16, यहां तक क्लियर है। लेकिन जैसे ही मैंने फंक्शन चेंज कर दिया, लेट अस से 64.16 का मैंने कह दिया क्यूब रूट, मैंने क्या कह दिया क्यूब रूट निकालो, तो अब 64 का क्यूब रूट 4 होता है, तो परफेक्ट एक्स की वैल्यू 4 हो गई और डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो गई 0.16। तो आप समझे कि परफेक्ट एक्स हमेशा 64 नहीं रहा, परफेक्ट एक्स हमेशा 64 नहीं रहा, समझ में आ गई बात। हाँ फंक्शन की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि परफेक्ट एक्स क्या निकालना है और डेल्टा एक्स क्या निकालना है, परफेक्ट एक्स की वैल्यू क्या होगी। यहां पे परफेक्ट एक्स की वैल्यू रूट 64 यानी कि 6, गलत लिख दिया मैंने, 8 है ना भाई, पर उसकी वैल्यू 8 आएगी लेकिन यहां पे 4 आएगी, यहां पे क्या आएगी 4 आएगी, समझ आ गई। तो एज पर द फंक्शन, फंक्शन की रूप रेखा के अकॉर्डिंग आपको परफेक्ट एक्स पता करना है और डेल्टा एक्स पता करना है। चलिए आ जाओ, दैट इज अब जो ओरिजिनल एक्स है, ओरिजिनल ओरिजिनल एक्स का मतलब है जो क्वेश्चन में गिवन है, जो क्वेश्चन में गिवन है उसको अपन स्प्लिट कर देंगे परफेक्ट एक्स प्लस डेल्टा एक्स की फॉर्मेट में। हाँ ये डेल्टा एक्स नेगेटिव भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, अपन अभी पॉजिटिव लिख रहे हैं बट इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, ठीक है यहां तक क्लियर है। स्टेप नंबर टू तक आ गए अपन, यहां तक क्लियर है बेटा, ठीक है। अब स्टेप नंबर थ्री में हम क्या करेंगे, y इक्वल टू एफ एक्स जो फंक्शन है उसको अपन स्प्लिट करेंगे, y को तो लिख देंगे y प्लस डेल्टा y और एफ ऑफ एक्स यानी ये ओरिजिनल x है, यहां पे ये क्या है ओरिजिनल जो क्वेश्चन में x गिवन है उसको अपन स्प्लिट कर देंगे परफेक्ट x प्लस डेल्टा x में। कहने का मतलब ये है कि मुझे चाहिए था y इक्वल टू 64.14 का रूट चाहिए था लेट अस से, ठीक है। तो मैंने इसको कैसे स्प्लिट कर दिया, x 64 प्लस पॉइंट प्लस 0.14 में स्प्लिट कर दिया था, ठीक है। तो 64 क्या था परफेक्ट एक्स, तो परफेक्ट एक्स का मतलब है कि एक्स प्लस डेल्टा एक्स में मैंने स्प्लिट कर दिया, तो इट इज एक्चुअली व्हाट, इट इज एक्चुअली एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है। तो वाई और वाई का आंसर भी जो आएगा वो वाई प्लस डेल्टा वाई के फॉर्म में आएगा, एक तो परफेक्ट वाई आएगा और एक उसका थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन आएगा, तो इसको स्प्लिट करके लिख सकते हैं वाई प्लस डेल्टा वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अच्छा अब इसके नीचे के ये जो दो स्टेप्स हैं ये इतने रेलेवेंट नहीं है, आप ना भी लिखो तो चलेगा, ये इसलिए मैंने लिखे हैं क्योंकि कई बार उल्टा क्वेश्चन आता है, उल्टा क्वेश्चन आता है दैट मीन्स आपको ये वैल्यू गिवन होती है, देखो ये वैल्यू आपको गिवन होती है, तो ये वैल्यू गिवन होती है और वहां से डेल्टा वाई निकालना हो तो फिर आपको उसमें से क्या करना पड़ेगा, वाई को माइनस करना पड़ेगा, दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स। वैसे सीधा क्वेश्चन तो ये है, सीधा क्वेश्चन तो ये है, ये दो वैल्यूज मैंने इसलिए लिखी है ताकि आप उल्टे क्वेश्चन में भी ना फंसो, तो लिख तो लो बट अभी इस पहला जब डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे तो उसमें बस पहला स्टेप ही काम आएगा, वाई प्लस डेल्टा वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है ना, क्लियर है भाई, y माइनस कर दूंगा उसमें से और y क्या f of x माइनस कर दूंगा, f of x plus delta x में से f of x माइनस कर दूंगा, इनकेस डेल्टा y पूछा है और ये दे रखा है। अभी डायरेक्ट क्वेश्चन में तो ये पूछेगा, चेक करो डायरेक्ट क्वेश्चन में ये पूछेगा f of x plus delta x पूछेगा, लेकिन इनडायरेक्ट क्वेश्चन में f of x plus delta x देगा, यानी रूट ऑफ 36.14 क्या है ये खुद ही दे देगा, ये खुद ही दे देगा, फिर आपसे पूछेगा बताओ कितना चेंज हुआ, यानी डेल्टा वाई आपसे पूछ गया, समझ में आ गई बात, क्लियर है। अच्छा अब डेल्टा वाई की वैल्यू निकालो यहां से भाई, इसको तो भूल जाओ एक बार के लिए, इसको भूल जाओ, आप मानो यही है मेरे पास, यही है, तो इसमें से y की वैल्यू तो है ना आपके पास 6, जैसे रूट ऑफ 36, तो आप इंटरेस्टेड किसमें है डेल्टा y, तो फोर्थ स्टेप विल बी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा y, फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा y एज गिवन बिलो, डेल्टा y अभी ऊपर मैंने करके बताया क्या वैल्यू होती है डेल्टा y की, dy by dx into delta x, ये वैल्यू होती है इसकी dy by dx into delta x, एक बार डेल्टा y निकल गया उसको पुट कर दो वहां पे, y तो है आपके पास 6 प्लस करवा दो बस, सो पुट द वैल्यू ऑफ डेल्टा वाई इन एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू वाई प्लस, वाई तो है डेल्टा वाई यहां से निकाल लिया उसको यहां पे पुट कर दिया, तो वाई प्लस डेल्टा वाई की मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू आ गई वाई प्लस डेल्टा वाई, वाई तो था
डेल्टा वाई इस फॉर्मूला से निकालिए, इसको यहां पुट कर दिया, दैट्स इट, दैट इज इट। तो 5 स्टेप्स में ये क्वेश्चंस कंप्लीट होंगे। अभी अपन ने केवल स्क्वायर रूट का किया है, आपके एक्सरसाइज में भी मेनली सारे क्वेश्चंस किसके हैं, स्क्वायर रूट के हैं, लेकिन इट कैन बी क्यूब रूट, इट कैन बी एनी फंक्शन, इट कैन बी एनी अदर फंक्शन, पॉलीनोमियल फंक्शन के भी कुछ एग्जांपल्स हैं, वो भी हो सकते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये क्या है, पॉलीनोमियल फंक्शन है, तो इसकी भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकलवा सकता है कि क्वेश्चन तो देखो करना ही है, लेकिन एक तो कैसे भी कर लो और एक समझ समझ के करो, अब कॉन्फिडेंस अलग आएगा ना करने का। अब आपके पास बताओ टाइम कितना बचा है, ये आप टॉपिक इंट्रोडक्शन खत्म हो गया है ऑफिशियली, ऑफिशियली खत्म हो गया है, लेकिन अनऑफिशियली मैं आपको एक एग्जांपल करवाना चाहता हूँ, तो आपके पास टाइम बचा है कि वो बताओ। आर यू गोइंग टू स्कूल, स्कूल जा रहे हो, कौन जा रहा है, आप जा रहे हो, कितने बजे आएगी बस, 50 पे आती है तो फिर, हाँ तो फिर तो 2 मिनट में कर लेंगे। तो लेट अस टेक एन एनसीईआरटी एग्जांपल, है ना, देखो ये खुद कह रहा है यहाँ पे, कोई भी चीज, हर जितने भी कॉन्सेप्ट आप यहां पढ़ेंगे, आई कैन नॉट से कि आप और जगह क्या पढ़ते हो और जगह क्या पढ़ाते हैं, बट यहां आप जो भी चीज पढ़ेंगे आप खुद नोटिस करना, खुद फील करना कि हम एनसीईआरटी को बेस मान के चलते हैं, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम एनसीईआरटी बनाएगी, ठीक है। तो जो जो चीजें वो कहता है करीब करीब वही चीजें कहते हैं, हाँ एक आध चीजें स्लाइटली डिफरेंट कहनी पड़ती है क्योंकि टॉपिक अच्छे से समझ आए। आप देखो खुद कह रहा है वो, dx इज डेल्टा वाई, तो ये रिलेटिवली स्मॉल है, लेकिन dy डेल्टा वाई का एक अप्रोक्सीमेशन, मतलब dx को तो डेल्टा x कह सकते हो, इक्वल बिल एग्जैक्ट कह सकते हो, लेकिन dy को डेल्टा y एग्जैक्ट नहीं कह सकते, अप्रोक्सीमेशन है वो उसका, गुड अप्रोक्सीमेशन है वो उसका, ठीक है ना। चलिए आगे आ जाओ, अब एग्जाम्पल नंबर 21 ही ले लो, आपको क्या चाहिए बेटा, रूट ऑफ 36.6, आपको क्या चाहिए 36.6, ध्यान से देखना कैसे करेंगे, क्वेश्चन मार्क, ये है क्वेश्चन हमारे लिए। पहला एल्गोरिथम क्या था, आइडेंटिफाई द फंक्शन, तो आइडेंटिफाई कर लिया मैंने फंक्शन, मेरे पास फंक्शन है वाई इक्वल टू रूट एक्स टाइप का, है कि नहीं है, है कि नहीं है, आइडेंटिफाई कर लिया फंक्शन, लगे हाथ इसका डेरिवेटिव निकालो क्योंकि वो तो चल निकलना ही है, चैप्टर का नाम ही है, तो dy by dx इक्वल टू हो जाएगा 1/2 root x, यस ऑर नो, यस ऑर नो, ओके फाइन। अब गिवन क्वेश्चन में से आइडेंटिफाई द परफेक्ट x एंड द डेल्टा x, आइडेंटिफाई द परफेक्ट x एंड द डेल्टा x, तो इसमें से परफेक्ट x कौन सा होगा, इसको मैं लिख सकता हूं या इसी के आगे लिख दूं, इसको मैं लिख सकता हूं 36 प्लस 0.6, तो 36 तो हो गया मेरा परफेक्ट एक्स और ये हो गया मेरा डेल्टा एक्स, यहां तक कोई डाउट, आइडेंटिफाई कर लिया मैंने एक्स एंड परफेक्ट एक्स एंड डेल्टा एक्स, यहां तक कोई डाउट नहीं है किसी को भी। अब मेरे को चाहिए क्या सर, मुझे तो ये चाहिए रूट ऑफ 36.6 चाहिए मुझे एक्चुअली, तो रूट ऑफ 36.6 को सर आपने कहा कि ऐसे लिखो तो मैंने लिख दिया, ठीक है, 36 क्या था मेरा एक्स था और ये क्या था मेरा डेल्टा एक्स था, तो ये चाहिए मुझे और ये चाहिए, इसका मतलब मुझे ये चाहिए, यस और नो भाई, फंक्शन के हिसाब से एफ ऑफ एक्स रूट एक्स है तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स जो होगा वो रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स नहीं होगा, आपको देखो ये चाहिए था, इसको स्प्लिट किया ऐसे, इसको स्प्लिट किया ऐसे और इसको स्प्लिट किया ऐसे, और अभी अभी मैंने आपको तरीका बताया एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स निकालने का, क्या वाई प्लस डेल्टा वाई, यस और नो। अच्छा आपके पास वाई नहीं है क्या, है बताओ क्या है आपके पास वाई, आपके पास वाई है रूट एक्स, अभी पूरा अलजेब्रिक फॉर्म में लिखते हैं, आपके पास वाई है रूट एक्स, है ना, और डेल्टा वाई है फॉर्मूला के हिसाब से डी वाई बाय डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, है कि नहीं है, चलो एक्स की वैल्यू डालो तो एक्स परफेक्ट एक्स, एक्स बोले तो यहाँ पे परफेक्ट एक्स, तो एक्स परफेक्ट एक्स कौन सा है 36, रूट 36 जो 16 के 6 होगा, हाँ डी वाई बाय डी एक्स की वैल्यू क्या है बोलो 1/2 root x और डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है 0.6 और x की वैल्यू यहाँ पे भी 36 डालूंगा अभी मैं, चलो इस स्टेप में इसको डेल्टा x ही लिख देते हैं और अगले स्टेप में चलो रूट 36 इज व्हाट 6, यहाँ पे आ जाओ 1/2 root x की वैल्यू वही 36 और डेल्टा x की वैल्यू 0.6, आगे आ जाओ तो 6 प्लस 1/2 root 2, 12 हो गया, 12 into what 0.6 को लिख सकता हूँ 6/10, भाई काट पीट के अभी सही कर देंगे, तो ये 5 times गया, ये 6 times गया, so it is approximate equal, देखो अभी भी अप्रोक्स, हाँ क्या कह रहे हो,
अच्छा सॉरी, क्या कर रहा हूँ, गलत कर दिया, गलत कर दिया मैंने, टेन टेन टू को इससे काट दिया। हाँ, सिक्स से वन टाइम, सिक्स से टू टाइम, तो 1/20 हो गया। 6 + 1/20, 1/20 मतलब लगभग बराबर, 1/10 होता है 0.1, तो ये 0.1 का भी आधा, 0.05 है ना, तो ये जाएगा 0.05, इतना ही होगा। करके देख लो, चाहे से 100 को 20 से डिवाइड करते हैं तो 5 आता है ना, तो 100 को 2 जीरो की कमी है यहाँ पे, तो 0.05। ओके, सो द फाइनल आंसर इज 6.05, बट इट विल नॉट बी द फाइनल आंसर, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा वाई की वैल्यू जो है ना, ये जो निकली है, दिस इज अप्रोक्सीमेट, तो आपको अप्रोक्सीमेट तो लगाना ही पड़ेगा। बट ये है कि सर फिर अप्रोक्सीमेट लगाना ही था तो वैसे लगा देते। मैं जितना नजदीक जा पाया उतना तो गया, मैं डेल्टा वाई निकालने के लिए मैं डी वाई तक तो गया, ये डी वाई की एग्जैक्ट वैल्यू है, तो डेल्टा वाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो गई, क्योंकि हमने लिखा है कि डेल्टा वाई इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू डी वाई। पर एक तो बिल्कुल हवा में बात करूं सर, 6.001 होगा सर, 6.007 होगा, ये बिल्कुल हवा में बात है। अब मैं जितना जा पाया, ये करीब करीब क्या, बिल्कुल घुसे में एक दूसरे में पॉइंट, ये करीब करीब सेम है, सो इट इज द फाइनल आंसर 6.005। तो एल्गोरिथम ऑफ स्टेप समझ में आया, अभी सारे क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, समझ आया ना अच्छे से? अच्छा, आंसर मैच कर लो, बुक में भी यही आ रहा है, 6.05 यही आ रहा है। ठीक है, क्लियर है? थर्टी सिक्स पॉइंट हाँ, कितना आ रहा है? 36.6025 आ रहा है। हाँ, देखो 0.36.6025 आ रहा है, और हमारे पास यहाँ पे क्या है, 36.6000, तो 6025 और 6000 में कितना फर्क है, 0.0025 का, तो है ना करीब हम बराबर है कि नहीं, है बताओ। ठीक है, समझ आया, फील मिल गया एक क्वेश्चन करने से ना, आप कल से एक्सरसाइज करना ही अपने को, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन, अब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो जैसा कि स्कूल में भी बताया तो बात करेक्ट है कि इस एक्सरसाइज के तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको ही करने हैं, क्योंकि ऐसा कुछ अलग है नहीं एज सच। फिर भी मैं कोशिश करूंगा मैक्सिमम क्वेश्चंस या डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चंस यहाँ करवाने की, बाकी आपको करने हैं ही, तो अपन कोशिश करेंगे 2 दिन में खत्म करें इस एक्सरसाइज को, और चलते हैं फिर फटाफट हमारे मेन टॉपिक में, मैक्सिमा मिलेगी सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट, जिसपे क्वेश्चन आएगा एक्चुअली, मुझे पता है। हाँ ठीक है, चलो कर दें आज की क्लास को शट ऑफ। हाँ तनिष्क, अगर आप लेट आए हो तो आपका दायित्व तो बनता है कि आज स्टार्टिंग से वीडियो देखें, क्योंकि यही टॉपिक इंट्रोडक्शन आप मोस्टली आपने समझ लिया, बट जो मैंने शुरुआत करी थी ना वो सबसे इंपॉर्टेंट थी, है ना? ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।